तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल कब यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? क्रैमर्स रूल इज यूज्ड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो क्रैमर्स रूल किस लिए यूज किया जाता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब आप बोलोगे सर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, लाइक ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, वेयर ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट। ओके, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू आर द कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स। सो कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे, एक्स एंड वाई। तो कितने अननोन वेरिएबल है, टू अननोन वेरिएबल। तो जब भी आपको टू अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है तो आपको कितने इक्वेशन चाहिए, टू इक्वेशन। एक अननोन निकालना है तो एक ही इक्वेशन लगता है, जैसे 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अगर है, एक अननोन है तो हम एक ही इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। कैसे, माइनस 4 को ट्रांसफर करो प्लस 4, x इज इक्वल टू डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो जब हमें एक ही अननोन फाइंड आउट करना होता है तब हमारे पास एक ही इक्वेशन होता है, फिर भी चलेगा। बट जब आप लोगों को x एंड y अगर दो अननोन है, तो दो अननोन अगर मैं यहां पे y ऐड करता हूं तो x एंड y में एक इक्वेशन में से निकाल सकता हूं क्या, नहीं। तो जितने नंबर ऑफ अननोन है उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए आपको, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए, चार अननोन है तो चार इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो है टू अननोन्स एंड थ्री अननोन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्रैमर्स रूल पढ़ना है। तो यहां पे फिलहाल जो है कितने अननोन्स है, दो अननोन्स है। ओके, सो लेट अस कंसीडर द इक्वेशंस। तो चलो हम लोग ये दो इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है कैसे सॉल्व किया है, बाय एडिंग, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, टू फ्रॉम वन एंड सो ऑन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू आर द टू इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन, सो विच वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल ऑफ डिटरमिनेंट। तो कैसे सॉल्व करना है देखो, तो सबसे पहले आपको डी निकालना है, जिसे बोलता हूं मैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, आपको इक्वेशंस कैसे फॉर्म में चाहिए, पहले एक्स बाद में वाई बाद में कांस्टेंट। तो चेक कर लो, पहले एक्स बाद में वाई बाद में कांस्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो ये होता है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए वन, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए टू। तो पहले एक्स के कोएफिशिएंट लिख दो, बाद में वाई के कोएफिशिएंट लिख दो, क्या है, बी वन एंड बी टू। ओके, सो क्रैमर्स रूल ऑफ डिटरमिनेंट जब हमें सॉल्व करना होता है तब क्या करेंगे हम लोग, पहले एक्स का कोएफिशिएंट लिखेंगे बाद में वाई का कोएफिशिएंट लिखेंगे। और हमेशा याद रखना है हमें इक्वेशन इस फॉर्मेट में चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो चलेगा हमें, बट एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है तो सबसे पहले आपको डी निकालना है। सो डी इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट किसका निकालना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई। पहले लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बाद में लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ वाई। एंड टू बाय टू अगर डिटरमिनेंट है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लाइक ए वन इंटू बी टू, ए वन इंटू बी टू, बीच में साइन कौन सा चाहिए, माइनस ए टू इंटू बी वन, ठीक है। तो आप बी वन इंटू ए टू लिख सकते हो या फिर बी वन इंटू ए टू या फिर ए टू इंटू बी वन। टू इंटू थ्री लिखो या फिर थ्री इंटू टू लिखो, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है क्योंकि ये ऑर्डर टू बाय टू है। जब टू बाय टू ऑर्डर होता है तो डायरेक्टली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसका डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे हम लोग, ए वन इंटू बी टू एंड बी वन इंटू ए टू, ये हुआ आपका डी। तो इस तरह से आपको डी मिल जाएगा।
तो जैसे ही आप लोग डी फाइंड आउट कर लोगे, आपको उसके बाद में फाइंड आउट करना है डी एक्स। जैसे ही आप डी फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है आपको, डी एक्स। ठीक है, अब ये डी एक्स क्या होता है? डी के सफिक्स में क्या लगाया हुआ हमने, एक्स, डी एक्स। तो डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, जो हमारा यहां पे एक्स का जो कॉलम है, ये किसके कोएफिशिएंट है, एक्स के कोएफिशिएंट है ये, और ये वाई के कोएफिशिएंट है। तो जब आप डी एक्स निकालोगे ना, तो इस एक्स के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है इसको डिलीट कर देना, इसको डिलीट करना है, और इसकी जगह पे कौन सा कॉलम लिखना है, कांस्टेंट वाला कॉलम लिखना है। तो कांस्टेंट कौन से है हमारे पास, सी वन एंड सी टू। तो ए वन ए टू निकाल के क्या लिख देंगे हम लोग, सी वन और सी टू, और सेकंड जो कॉलम है वो एज इट इज लिख देंगे। तो याद रखना है आप लोगों को, जब डी एक्स निकालोगे आप, तो एक्स वाला जो कॉलम है वो हटा के डिलीट करके उसकी जगह पे कांस्टेंट वाला कॉलम डाल देना है। अगेन टू बाय टू मिलेगा, तो टू बाय टू का कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी वन इंटू बी टू, बीच में साइन माइनस, बी वन इंटू सी टू और सी टू इंटू बी वन। तो पहले आपको डी निकालना है, और जैसे ही आप डी निकाल लोगे, डी निकालने के बाद में आपको डी एक्स निकालना है, और जैसे ही हम लोग डी एक्स निकाल लेते हैं, अब आगे बढ़ना है डी वाई की तरफ, आगे बढ़ना है डी वाई। अब डी के सफिक्स में क्या लिखा है मैंने, वाई, तो अब कौन सा कॉलम डिलीट करूंगा मैं, वाई वाला। अब एक्स वाला कॉलम एज इट इज रखना है, अब एक्स वाला कॉलम आपको एज इट इज रखना है। अब ये वाई वाला कॉलम हटा के इस कॉलम की जगह पे कौन सा कॉलम रिप्लेस करना है आपको, कॉन्स्टेंट वाला कॉलम। तो क्या होगा बताओ, पहला कॉलम ए वन ए टू, सी वन सी टू, यस। सभी का कॉन्सेंट्रेशन है बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन करना है, इवन इफ यू आर ऑनलाइन, कॉन्सेंट्रेशन जो है बोर्ड के ऊपर ही रखना है। आजू बाजू में जो आप लोगों के डिस्टर्बेंसेस है उसे थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है, हो सके तो हेडफोन्स का यूज करो। वैसे तो मैं काफी अच्छा माइक यूज कर रहा हूँ, आप लोगों तो काफी अच्छा साउंड आ रहा होगा, ठीक है, बट अभी भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है और अच्छी वॉइस क्लैरिटी चाहिए, आप हेडफोन का यूज कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरा बोर्ड के ऊपर हो, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले बढ़ेंगे डी की तरफ। तो डी में क्या लिखेंगे, पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। डी एक्स में क्या करेंगे हम लोग, एक्स का कॉलम हटा के कॉन्स्टेंट वाला कॉलम डाल देंगे। डी वाई में क्या करेंगे हम लोग, एक्स का कॉलम वैसे ही रखेंगे, वाई का कॉलम हटा के कॉन्स्टेंट का कॉलम डाल देंगे। समझ में आ रहा है सभी को, डी एक्स के समय एक्स का कॉलम हटाना है, डी वाई के समय वाई का कॉलम हटाना है, ठीक है। और कॉलम हटाने के बाद में कौन से कॉलम से रिप्लेस करना है आपको, जो कांस्टेंट है हमारे पास, सी वन एंड सी टू से, ठीक है। तो कांस्टेंट से रिप्लेस करना है, बट कहां पे रिप्लेस करना है, जो हमारा डी है उसमें, डी में से एक्स का कॉलम डिलीट करना है और डी में से ही वाई का कॉलम डिलीट करना है। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है, यस, ओके। अब क्या करेंगे, टू बाय टू में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो ए वन इन टू करेक्ट। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं हम लोग, ए वन इंटू सी टू, सी वन इंटू ए टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बट याद रखना है पहले यहां से स्टार्ट करना है आप लोगों, ठीक है। अब हम लोग एक्स एंड वाई जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू डी एक्स को डिवाइड कर दो डी के साथ में, डी एक्स को डिवाइड कर दो डी के साथ में, एंड y के लिए क्या करना है आप लोगों को, डी वाई को डिवाइड करना है d के साथ, ओके। तो डी वाई को अगर हम d से डिवाइड कर देते तो y मिल जाएगा आपको, और डी एक्स को d से डिवाइड कर दोगे तो आपको x मिल जाएगा। तो इस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट इक्वेशन क्यों ना हो। कोएफिशिएंट मैच अगर नहीं हो रहे हैं, कोएफिशिएंट अगर मैच हो रहे हैं तो हम डायरेक्टली प्लस माइनस करके इजीली एक्स वाई निकाल सकते हैं, बट जब कोएफिशिएंट मैच नहीं होते तो हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय समथिंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाय समथिंग, देन एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो ये काफी लंबी प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रैमर्स रूल में डायरेक्टली डी निकालते हैं, डी एक्स निकालते हैं और डी वाई निकालते हैं।
और इन दोनों का रेशियो अगर लेते हैं हम लोग डी एक्स बाय डी और डी वाई बाय डी का, तो वहां से हम एक्स वाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्स निकाल के वाई पुटअप करने की जरूरत नहीं, वाई निकाल के एक्स पुटअप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल से मैं इसे समझा देता हूँ आप लोगों को। तो चलो सबसे पहले ये नोट कर लो आप लोग, चलो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट दोनों भी नोट कर लो ये आप लोग। ग्रामर स्कूल का ये फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, टू इक्वेशन वाला, ये है फर्स्ट केस हमारे टू इक्वेशन वाला। सेकंड केस जो है वो थ्री इक्वेशन वाला। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट लिख लो, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा एग्जाम में, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट मेथड। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल और कभी कभी एग्जाम में बोला जाता है बाय डिटरमिनेंट मेथड। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको मोबाइल को हॉरिजेंटली देखना है, ठीक है, जिनका डे वन है मोबाइल को हॉरिजेंटली पकड़ना है आपको और फुल स्क्रीन करना है। अगर कोई फॉन्ट आपको विजिबल नहीं है प्रॉपरली, तो आप जैसे इमेज जूम करते हैं उसी प्रकार आप लोग आपकी स्क्रीन जूम करके देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपको, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल लगा के आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल को ही दूसरा नाम क्या देते हैं एग्जाम में, बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को, मतलब ही क्रैमर्स रूल लगाना है आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना एग्जाम में, आइदर और दोनों भी मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इक्वेशन दिए जाएंगे आपको, जैसे कि 3x plus 4y is equal to minus 1/4 and minus 2x minus 3y, माइक ऑफ कर दो बेटा जिनका ऑन है, जिनका माइक ऑन है ऑफ कर दो। तो चलो बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ओके। सो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल नंबर वन। तो एग्जांपल को कैसे स्टार्ट करना है देखो, तो सबसे पहले आप लोगों को एक प्रिकॉशन लेना है कि इक्वेशन फॉर्मेट होना चाहिए एक्स वाई कॉन्स्टेंट इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू माइनस 1/4 एंड माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/1। तो हम लोग जब इक्वेशन को देख रहे हैं तो ऑलरेडी इसको अरेंज करके दिया हुआ है आप लोगों को, ऑलरेडी इक्वेशन अरेंज है कैसे, x y कांस्टेंट। कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पहले y बाद में x बाद में कांस्टेंट ऐसे भी दिया जा सकता है। तो आपको हमेशा इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना है, ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। तो आपको इस फॉर्मेट में हमेशा इक्वेशन को अरेंज करना है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं ऑलरेडी इक्वेशन अरेंज करके एक्स वाई कॉन्स्टेंट एक्स वाई कॉन्स्टेंट। तो चलो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग डी। तो डी क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटरमिनेंट किसका निकालना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -2। कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 4, कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना है -3। और जिनके आजू बाजू में डिस्टर्बेंसेस है वॉइसेस है वो लोग माइक को ऑफ ही रखो, जो साइलेंट रूम में बैठे हुए है जहां पे वॉइस नहीं वो लोग आप लोग माइक को ऑन करके बात करो, बाकी लोग मैसेज करो, बिकॉज डैश में आवाज नहीं आना चाहिए आजू बाजू का, ठीक है। तो चलो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले x के कोएफिशिएंट लिख देना है, उसके बाद में आपको y के कोएफिशिएंट लिखना है,
ठीक है, समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को लिखना नहीं है, पहले x के कोएफिशिएंट बाद में y के कोएफिशिएंट, और इनको करना है आप लोगों को अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 into -3 माइनस नहीं, माइनस बीच में साइन क्या चाहिए, माइनस, 4 into -2 कितना होता है, 8 4 into -2 plus into -4 2 are 8 तो कैसे लिखना है आपको, -9 बीच में साइन होता है माइनस, एंड 4 into -2 होता है -8 तो ब्रैकेट में लिख दो -8 ठीक है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्या होगा -9 minus -8 सो -9 plus 8 इज -1 करेक्ट है या नहीं है, -1 करेक्ट, तो लार्जर का साइन देना चाहिए, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 9 minus 8 कितना हुआ 1, और साइन देना है लार्जर का, तो 8 लार्जर है या 9 लार्जर है, 9 लार्जर है, तो 9 का साइन कितना है माइनस, तो माइनस दे दो। देखो अभी ये फर्स्ट ईयर की बैच है, फर्स्ट सेम की बैच है, तो मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, स्ट्रांग है, साइन कन्वेंशन परफेक्ट है, तो बोर नहीं होना है बेटा, बिकॉज जो स्टूडेंट आप लोगों के साथ में बैठे हुए, बहुत सारे लोगों का 50% लोगों का ये भी प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए उन लोगों की, ठीक है। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 9 minus 8 कितना होता है 1, और साइन देना है लार्जर का -1। नेक्स्ट थिंग आपको निकालना है डीएक्स, क्या निकालना है डीएक्स, तो डीएक्स निकालते समय क्या करना है आपको, इस x का कॉलम हटा के इसकी जगह पे कांस्टेंट का कॉलम डालना है, तो कांस्टेंट क्या है -1, 4 और 11, कांस्टेंट क्या है -1, 4 and 11, और y का कॉलम जो है जैसे कि वैसे लिखना है आप लोगों को एज इट इज, y का जो कॉलम है आपको एज इट इज लिखना है, तो dx निकालते समय आपको x का कॉलम हटा के उसकी जगह पे कॉलम का सॉरी कांस्टेंट का कॉलम डालना है, एंड y का कॉलम जो है वो एज इट इज लिखना है, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -into -42 करेक्ट है बेटा, बीच में साइन माइनस, 4 into 11 ओके, सो 42 minus 44 कितना -2, तो जिनको साइन कन्वेंशन डाउट है तो जिनको साइन कन्वेंशन डाउट है ध्यान दो, माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 44 में से 42 माइनस कर दो कितना बचेगा 2, ठीक है। अब 44 ग्रेटर है या 42 ग्रेटर है, 44 ग्रेटर है तो उसका साइन लगाना है, तो उसका साइन क्या है माइनस, ओके, इसका साइन है प्लस। तो वैसे तो हमें कैलसी ही होता है एग्जाम में, तो आप लोगों को ये जो साइन कन्वेंशन जो है इसका बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज हमारे पास कैलसी होता है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है 991 ES+, ये आपको कैलसी लेना है, परचेस करना है, इसमें एक कैलकुलेटर होता है, और एक कैलकुलेटर लाया है बेटा कल लेके आया, ठीक है, तो इसमें और एक कैलकुलेटर होता है, वो इससे भी एडवांस होता है, वो ब्लैक कलर में आता है, ठीक है, ये 991 ES+ से भी काम चल जाएगा आपका, ओके। इसकी कॉस्ट कितनी होती है, क्या होती है, मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है, आपको मैसेज किया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो आप, ऑनलाइन अगर ऑर्डर करते हो तो विद इन वीक जो है वो कैलसी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो कैलसी ले लो जल्दी से जल्दी, ताकि सारे फंक्शन जो है उस कैलसी में हमें क्लियर करना है 1 by 1, उसमें बहुत सारे फीचर्स है, हमें पढ़ना है ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलो यहाँ पे d मिल चुका है, उसके बाद में dx मिल चुका है, अब मुझे निकालना होगा dy, तो dx भी मिल चुका है, d भी मिल चुका है, अब निकालेंगे dy, तो dy कैसे निकालोगे, कौन सा कॉलम रिप्लेस करोगे बताओ, b y यस वेरी गुड, तो d में से क्या करना है आपको, d में x का कॉलम वैसे ही रखना है 3 minus 2, x का कॉलम वैसे ही रखना है 3 minus 2, ये y का कॉलम हटा के इसकी जगह पे कांस्टेंट डाल देंगे, कितना है -14 and 11, तो चलो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग, अगेन बता रहा हूं मैं, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखना है, सो 3 into 11, 11 3 are 33, बीच में साइन कौन सा चाहिए माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 14 2 are 28
तो 33 माइनस 28 5। ठीक है, नाउ ये हुआ डी वाई, तो पहले डी निकालना है, बाद में डी एक्स निकालना है, बाद में डी वाई निकालना है। ओके, अब क्या निकालेंगे फाइनली हम लोग, एक्स एंड वाई, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी। तो बताओ डी एक्स की वैल्यू कितना है, माइनस टू एंड डी की वैल्यू कितना है, माइनस वन। माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा टू। ओके, एंड y इज इक्वल टू होता है डी वाई बाय डी, सो डी वाई कितना है 5 और d कितना है -1, सो 5 बाय -1 -5, 5 बाय 1 मतलब 5 साइन माइनस। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, x एंड y निकाल सकते हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से हम लोग x एंड y बहुत ही कम टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम था तो हम लोगों ने थोड़ा टाइम कंज्यूम किया, बट नेक्स्ट प्रॉब्लम से आप लोग फटाफट 2x2 का क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट मेथड से या फिर क्रैमर्स रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आया, किसी को अगर कुछ डाउट है तो दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं होमवर्क जो है जैसे आज दिया था आप लोगों को ग्रुप के ऊपर, उसी तरह से मैं इस इक्वेशन को, ऐसे जो दो इक्वेशन है, ऐसे 4 to 5 प्रॉब्लम्स आपके ऐप के ऊपर डाल दूंगा पीडीएफ सेक्शन में जाके, उसे सॉर्ट आउट करना है होमवर्क में। तो जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं बैच को, वो ज्वाइन हो जाओ, ऐप को एसेस ले लो फीस क्लियर करके। ठीक है, तो कुछ भी क्यूरी आती है एडमिशन रिगार्डिंग तो मुझे क्या करना है, आप लोगों को 8 बजे के बाद में कॉन्टेक्ट करो मेरे साथ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में, क्रैमर्स रूल लिखेंगे 3 अननोन्स के लिए। ओके, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।